हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेकर आकांक्षा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आज मॉल। 26 दिसंबर है आज। सोचा तो था क्रिसमस के दिन जाएंगे, पर क्रिसमस का दिन संडे था और हमको पता था मॉल में बहुत भीड़ रहेगी। और आज जा रहे हैं, थोड़ा सा अगस्त्या अभी खेल लेगा वहाँ पे, और ठंड के कारण वैसे भी वो कहीं नहीं निकल पा रहा, उसको पार्क भी नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि आजकल धूप भी नहीं निकलती अच्छे से यहाँ पे। तो अभी हम मॉल की तरफ निकल रहे हैं, आपको मॉल दिखाते हैं आज। यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है, जेड स्क्वायर मॉल कानपुर का, और साथ ही साथ इनका बर्थडे आने वाला है तो उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज का ये व्लॉग टोटली मॉल का, शॉपिंग का यही होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो जी, फाइनली हम रेडी होने के बाद निकल चुके हैं और हम बहुत स्लीपी तो हो ही रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा जाम मिल रहा है रास्ते में, क्योंकि ऐसे भी ये जो न्यू ईयर वाला ये पूरा टाइम है ना, 7-8 दिन का, ये ऐसे ही रहने वाला है। और हम कार में सो भी गए थे लिटरली, मतलब ना 45 to 60 मिनट तो हो ही गया होगा जेड स्क्वायर पहुँचते। तो हम सो भी गए थे और हमको निकलने में देर हो गई, इसलिए साहब जी का थोड़ा सा टेम्पर भी हाई हो चुका है। बट अब हम पहुँच चुके हैं तो सिचुएशन को काम डाउन कर लेंगे, ताकि अगर कुछ ख़रीदने का मन करे तो मिल जाए, नहीं तो फिर गुस्से गुस्से में तो लड़ाई हो सकती है ना। भाई, ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरे शहर से दूसरी जगह आए, इतना टाइम लगाने में, और हम लोग दोनों सो गए थे। अब चलो अगस्त में कुछ चॉइस दिलवा देंगे। अरे इतनी डबल डबल कैमरे की ब्लॉगिंग मत करो भाई, वायरल हो जाएंगे नहीं तो हम लोग कुछ चॉइस दिलवा देंगे। अरे इतनी डबल डबल कैमरे की ब्लॉगिंग मत करो भाई। देख रहे हो डेकोरेशन, पूरा बिजली डेकोरेशन पे लगा दिया गया है। ये यहाँ का बिग बाजार है, मतलब कन्वर्टेड स्मार्ट बाजार। देखो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। चलो इसको फैमिली लिए चलते हैं। इसको कॉस्मेटिक्स लेना है क्या? हाँ, रोज इसको ले आया करो भाई मॉल। हाँ रोज आओ भाई मॉल। एक तो इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ कि कह नहीं सकते, इसीलिए अच्छा हुआ कल नहीं आए थे, तो कल और ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हम जैसे सोच के शायद सारे लोग आज ही आ गए क्या, अभी 25 को नहीं, चलो 26 को जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे होम सेंटर और कुछ कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम लेकेंगे, टाइम पास करेंगे। हाँ चलो। तो जी पहुंच गए हैं हम सबसे पहले होम सेंटर। यहाँ पे होम डेकोर की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर चीज़ कलर कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे ये सेक्शन देखो पूरा गोल्डन है ना, तो यहाँ पे गोल्डन चीज़ें ही हैं। लाइक वो अगर कैंडल होल्डर होगा तो भी गोल्डन होगा, फ्लावर पॉट होगा तो भी गोल्डन होगा। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि मतलब आप एक एक सेट अलग अलग कलर के रख लो और चेंज कर करके यूज़ करते रहो। और यहाँ की सारी सेरेमिक क्रॉकरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, मेरे पास 1-2 सेट है। और इधर हम ये सब कैंडल होल्डर्स वगैरह देख रहे थे, बट मेरे पास है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ना ऐसे मतलब 6-6 महीने में आओगे तो चेंजेस नहीं मिलता है, स्लाइट चेंजेस रहता है। ये सब ऑलरेडी है मेरे पास, जो कि मैं अगस्त्या के कारण वैसे भी लगा नहीं पाती। और इधर ये ट्रॉली वगैरह है, अब ये इसका पर्पस तो। और ये देखो ये कप्स हैं, ये भी बहुत सुंदर सुंदर हैं।
मल्टी कलर के ग्लास और सामने जो पूरे पैन लगे हुए हैं कलरफुल, ये मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरे को अभी ना पर्पल कलर एकदम ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे एक पर्पल टाइप का है तो मेरे को मन किया कि मैं ले लूँ, बट ऐसा कुछ यूज़ अभी समझ नहीं आया मेरे को तो फिर हमने ड्रॉप कर दिया। फिर छोटे बर्तन भी मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई थी। क्या पता, और अगर आपके सिटी में होम सेंटर नहीं है ना तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर लो, ये पूरा मतलब ऑनलाइन सिस्टम भी चलता है। और इसी टाइम पे एक दीदी आई मेरे पास, कहीं कि वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। मैंने बोला फिर उनको कि जब सारा कलेक्शन नेट पे है तो आप छुपा क्या रहे हो यहाँ पे, जो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। फिर भी मैं बनाती रही अपना वीडियो। तो अगस्त एक मिनट भी हमको होम सेंटर में नहीं घूमने दिया, अब चलते हैं अगस्त की जगह पे। कितनी हल्ला हो रहा है कि मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। वैसे अभी अगस्त को इतना समझ तो आता नहीं है, है ना अगस्त, बट ट्वाइस के पास जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। ऊपर प्ले एरिया में भी ले चलेंगे एक बार। ये कहाँ, हाउ नाइस इज दिस प्लेस, यू कैन गेट एनी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम हियर अगस्त। यू वांट दिस आउट? नो, विच वन यू वांट? दिस सॉफ्ट टॉयज? नो, ये तो डर रहा है, डर रहा है। यू वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस? टेडी बियर? नो, हर चीज ठोक के सही नहीं होती, पूछो उससे। पर ये इट्स नॉट गुड ना, ये मुंह में डाल सकता है तो चलो छोड़ो इसको, चलो उधर आओ, मेरे को प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है अपना। ये उठाओ ना, ऊपर वाली तोड़ जाएगी क्या? ये लो, ये देखो, उसका दिमाग उसी में अटक गया है। अब उसको निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, ओपन नहीं करना है। ये चाहिए बिग वाला? तो बिग चाहिए आपको? कौन सा चाहिए? मैं आपके हेल्प कर रहा हूँ, आइए। कौन सा लेना है आप? कौन सा चाहिए? ये चाहिए, तू ये तो ले ले। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? सो कंफ्यूज अगस्त, क्या ये भी चाहिए? लो लो, निकाल दो भाई, निकाल दो के? वो निकाल दो के? बहुत एक्साइटेड हो गए, इतनी सारी गाड़ियां गाड़ियां देख के। चलो अब चलो, अपना और उसका साइज देख पा रहे हो? खोलो 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 खोलो, ये जनाब आराम से अपना यहाँ खेल रहे हैं, इनको यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है और लेट भी हो रहा है अब, क्योंकि हम आए भी लेट से ही थे। हमने इसकी जो कार ली थी उसकी बिलिंग हो गई है, बस यहाँ से निकलेंगे। फिर मेरे को लगा थोड़ा सुपर 99 घूम लेती हूँ, क्योंकि ये जो किटी भी है ना वो मेरी ही है, मतलब होस्ट मैं हूँ, प्लस इनका बर्थडे भी है, तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह का कुछ कुछ मिल जाता है, बट आज कुछ भी नहीं मिला। तो मेरी नज़र इस पर पड़ गई कि शायद ये अगस्त को कुछ काम आएगा। 1 2 3 पढ़ने का फेक मन दे रहा भैया, देख ये थे पा है। अच्छा
अगस्त्य और उसके पापा फूड कोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि ना वो जो चिप्स का पैकेट लिया था उसको वो खोलने की इतनी जिद करने लगा और वो लोग अंदर खोलने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे। तो मैंने बोला कि आप लोग जाओ फूड कोर्ट में बैठो, तब तक मैं आती हूँ जो भी। ज़्यादा भीड़ है कि जो चीज़ पसंद भी आ रही है ना वो भी खरीदने में, बिलिंग कराने में इतना टाइम लग रहा है कि मैं तो सब छोड़ दी। अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट, थोड़ा बहुत कुछ खाया जाए और भागा जाए भैया यहाँ से। मतलब इट्स लाइक ना वो जो वेडनेसडे ट्यूसडे मार्केट होता है वैसी भीड़ है भाई। और ऊपर से ही अगस्त्य महाराज, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ भीड़ किस टाइप की है ना। ये मतलब बैरिकेडिंग टाइप का वहाँ पे पार्टीशन करना पड़ा है भीड़ कंट्रोल करने के लिए, सब तरफ लोग ही लोग। मैं कुछ भी खा लूँगी, आप बताओ। मुझे कुछ खास नहीं है, आसानी से जो मिल जाएगा मैं वो खा लूँगी। मोमोज से मोमोज खा सकते हैं। सामने वो था बांगो था ना, वो जहाँ डोसा वोसा मिलता था, वो भी गायब है, खुलते बंद होते रहते हैं। चलो फिर देखते हैं कुछ। एक पापड़ी चाट, आप उसको प्लीज बोलिए ज़्यादा स्पाइसी ना चाहिए। तो हम आ गए हैं चाट भेल मोमोज और कुछ कुछ का ऑप्शन था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे चाय का मसाला चाय और समोसा चाट का ऑर्डर दिया है जो बन रहा है और बिल्कुल नज़र के सामने ही बन रहा है। यहाँ भी हर ठेले पे मिलता है समोसा चाट, यहाँ पे टिक्की चाट मिलती है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादातर ठेलों पे देखो समोसा चाट भी मिलता है। अभी इससे 6 महीना छोटा बच्चा शांति से बैठा है, ये देखो हम घर आ गए हैं। और ये मेरे में राखी का कपड़ा है, इसका ना शूट करना था, फोटो खींचना था, इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दिखाऊं क्या? देखो अभी ऐसे थोड़ा सा देख लो, बाद में भी अच्छी लगेगी।
तो भाई कुछ खरीद तो नहीं पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब खरीदने में जितना टाइम नहीं लगता ना उतना उसका बिल कराने में टाइम लग रहा था। मैंने स्टोर 99 से एक दो चीज़ें उठाई थी, बट जैसे मैं बिल काउंटर पर गई इतनी भीड़ थी कि मैंने छोड़ दिया और मैं निकल आई। और अभी 8:30 के आसपास ही हो रहा है, देखते घर में ही कुछ डिनर विनर करेंगे। और मैं एक बार आपको अगस्त्या से को दिखा देती हूँ, गाड़ी के पीछे बिल्कुल दीवाना हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।